के अंदर ये स्मार्ट गांव मिशन दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, जिससे हम दिल्ली की राजधानी देश की है, शहर का भी विकास हो और गांव का भी विकास हो। भैया, माना जाए कि मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी को टक्कर देने के लिए केजरीवाल सरकार का ये स्मार्ट गाँव शुरू हुआ है? टक्कर देने की मैंने फिर कहा, टक्कर देने की बात नहीं है, बात यह है कि दोनों की सहभागिता की, क्योंकि ये देश गाँव का देश है, गाँव के विकास के बगैर देश का विकास तो अधूरा है। गोपाल जी, बवाना चुनाव के दौरान स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट पहले आप लोग लेके आए थे, अभी तक क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ? कोई एक भी गांव स्मार्ट हो पाया या उसकी स्कीमें पास हुई? नहीं, दिल्ली सरकार ने स्मार्ट गांव बनाने के लिए जो पॉलिसी लेकर के आई है, उसके लिए हमें इस बात का जरूर अफसोस है कि अधिकारियों के फाइलों के चक्कर में बोर्ड के गठन का जो सरकार का प्रस्ताव था उसमें काफ़ी लेट हुआ। दिसंबर में इस बोर्ड का गठन हुआ है अंततः, और उसके बाद से दो बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक अभी 12 तारीख को होने जा रही है। तो सभी गांव से जो जो प्रस्ताव तेजी से आ रहे हैं, उन तो सारे प्रस्तावों का लगभग 450 प्रस्तावों का जो है बोर्ड ने उल्लेख कर दिया है और वो तेजी के साथ काम हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल जो है तेजी से उन गाँव में काम स्मार्ट सिटी के लिए सेलेक्ट किए जा रहे सिटी को, क्या गांव भी सेलेक्ट होंगे या सभी गांव को? नहीं, दिल्ली सरकार ने सेलेक्ट के लिए नहीं प्लान बनाया है, दिल्ली के जितने गांव हैं सभी गांव को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। किस तरह से आगे कैसे बढ़ेंगे मसौदे पे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी हमने हर गाँव में एक विलेज डेवलपमेंट कमेटी बनाई है, उसको उस कमेटी को अपने गाँव में जो काम कराना है उस प्रस्ताव को बनाना है और जो विधायक के माध्यम से उसका इंस्ट्रूमेंट बनेगा, तो ये गांव वालों की इच्छा पर है कि वो अपने गांव में किस किस काम को करवाना चाहते हैं। ये पावर सीधे गांव के लोगों को दिया जाए। 50% महिला जाएगा, लेकिन फिर दिक्कत ये होगी कि फिर आपके अपने लोगों के विधायक के अपने ऐसे में गाँव के लोग चाहते हैं क्या? उसके लिए तो हमने कमेटी बनाई है ना, कमेटी हर गाँव की। सर, ग्रामीण विकास बोर्ड की जगह ग्राम बोर्ड विकास का गठन किया गया, किस तरह से अलग है? देखिए, पहले चूंकि दिल्ली के अंदर अभी पिछले दिनों 96 जो रूरल विलेज थे वो शहरीकृत हो गए, तो दिल्ली के अंदर सभी गांव जो है वो शहरीकृत होते जा रहे हैं, इसलिए ये फैसला किया गया कि चूंकि जो पहला जो बोर्ड था वो केवल उन्हीं गांव में काम कर सकता था, अब दिल्ली में जितने गाँव हैं चाहे वो शहरीकृत हों चाहे रूरल हों, उन सारे गाँव में विकास का काम ही बोर्ड करेगा। गोपाल जी, विरोध अभी देखा गया बोर्ड में, बोर्ड में महिलाएं नहीं थी 50%, जिसको लेकर विरोध काफी लोग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए दिल्ली के जितनी कमेटियां हैं उन सभी महिलाओं को रखा जा रहा है और हम अभी महिलाओं को तलाश कर रहे हैं। पोस्टर में जो है वो आप ही का है और केजरीवाल साहब का नहीं है, जिसपे कई सवाल लगा नहीं है, सामने सवाल मैं हूँ। ठीक है। आज